हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग। हम देख सकते हैं हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किए थे, तो उसी थ्रू से मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं। मतलब कि हर एक चैप्टर में से मिनिमम पांच पांच क्वेश्चन है, तो उन्हीं के क्वेश्चनों को हम करेंगे। देखते हैं कितना हमारा टॉपिक सही चल पाया है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, यदि किसी कोड में कट को STB और बाइट को DSHA लिखा जाता है, तो ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा? अब हम देख सकते हैं उसने बोला है कट को CUT, कट को क्या लिखा है STB। देख सकते हैं इसमें क्या है, लास्ट डिजिट फर्स्ट में -1 है, फिर इसमें देख सकते हैं -1, क्योंकि T20 और S19, U21 और T20, C3 B2, तो देख सकते हैं -1 हो रहा है। और इसी टाइप से देख सकते हैं बाइट, BITE बाइट, और इसका क्या दिया हुआ कोड, DSHA, तो देख सकते हैं E5 T20 I9 B2 और D4 S19 H8 और A1, तो देख सकते हैं -1 -1, मतलब कि सब में -1 है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। देख सकते हैं अब क्या दिया हुआ है हमको, ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स लास्ट से -1, तो S19 पर है 19 19 -1 18, तो 18 RRR, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में T है। अब हमें इन तीनों में देखना है, तो देख सकते हैं O तीनों में है, तो O को हम छोड़ सकते हैं चाहे तो। अब हम इस ड्रॉप्स के O से देखते हैं, मतलब कि P को छोड़ देते हैं और ड्रॉप्स के O से देखते हैं, -1, तो थर्ड डिजिट में -1 NN, तो इसमें P है इसमें +1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C भी नहीं हो सकता। अब देख सकते हैं R R-1, R18 पर है और -1 Q17, तो हमारा Q ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर होगा। तो इसी टाइप से हम करेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यदि हॉनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टॉनी किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देख सकते हैं T का कोड क्या दिया हुआ है लास्ट सेकंड पर, टी का डी, तो देख सकते हैं डी हम ऑप्शन में ही देख सकते हैं, ऑप्शन डी किस में है स्टार्टिंग में, ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, यदि सी को 3 और पॉलिश को 79 हो, तो पॉइंटर को क्या लिखा जाएगा? तो अब हम देख सकते हैं सी की नंबर सीरीज 3 होती है और पॉलिश POLISH, हम इनकी नंबर्स लिख लेते हैं 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 8, तो इन सबको प्लस करके क्या आएगा 79। तो इसी तरह POINTER पॉइंटर, तो इन सबको 16 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18, तो इन सबको प्लस करके देखते हैं क्या क्या आता है। तो इन सबको प्लस करने के बाद 97 97, तो 97 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन पेंसिल को डॉलर और शिग्मा लिखा जाता है, इरेजर शॉर्पनर को एट द रेट और हैशटैग लिखा जाता है, तथा पेंसिल इरेजर को डॉलर एट द रेट लिखा जाता है, तो उसी कोड में उसी भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा? देख सकते हैं पेन और पेंसिल देख सकते हैं। अब हमें देखना है पेंसिल और इरेजर, इसमें पेंसिल और पेंसिल कॉमन है, तो देख सकते हो ऊपर के कोड में क्या कॉमन है, डॉलर डॉलर, तो हमें पेन के लिए क्या है, मतलब कि पेन के लिए हम लिखेंगे ये सिग्मा, तो हमारा सिग्मा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कंकाल का जो संबंध शरीर से है, वही संबंध व्याकरण का किस होगा? जैसे कि
कंकाल, कंकाल क्या होता है? कंकाल जैसे कि कोई भी शख्स डेड होने के बाद वो कंकाल हो जाती है, कंकाल मतलब कि डेड बॉडी, कंकाल। इसी टाइप से व्याकरण, व्याकरण क्या होती है? भाषा, व्याकरण भाषा। तो हमारा भाषा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हैं धान, धान क्या होता है? धान हम चावल के लिए बोल, धान से क्या बनता है? चावल। और दूध से क्या? दूध से दवाई थोड़ी बनेगी, नहीं, जहर भी नहीं बन सकता, राशन भी नहीं बन, दूध से बनेगा क्रीम। तो हमारा क्रीम आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो सेवन में क्या है देखो, एन 13 पर, और नीचे की दो है, एक किस पर है? वन, और सी 3 पर। 13 13, और एन 14 पर, और नीचे क्या है? ए 1 पर, और डी 4 पर। इसी टाइप से आगे, ओ 15 पर, और ए 1, और ई 5 पर। अब देख सकते हैं इसमें क्या है, पी देख सकते हैं, पी 16 पर, और ए 1 पर, और एफ 6 पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, हमें और बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में देख सकते हैं क्या है, इसके लिए हमें स्क्वायर क्यूब वगैरह जरूर याद होने चाहिए। अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 8 27। अब देख सकते हैं 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, फिर है 3 क्यूब 27, और तो देख सकते हैं आगे 4 का क्यूब 64। तो हमारा 64 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। इसके लिए देख सकते हैं हमें क्यूब याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, -1 +1, -1 हम लिख लेते हैं, देखो -1 +1, क्योंकि एन एम एन 14 पर, एम 13 पर, W 24। इसी टाइप से देखते हैं फिर ऐसे ही है, +1 और डी से -1। तो अब देख सकते हैं इसी टाइप से के, के से -1, तो यहाँ पे आना चाहिए जे, जे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, तो इसमें से हमारा कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ई ऑप्शन में होगा नॉन। तो हमारा नॉन आंसर होगा, हम बाय द ऑप्शन भी देख सकते हैं, नॉन हमारा आंसर होगा, ब्रेक दिया हुआ है क्योंकि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि देखो इसमें मैंने बताया था कि लास्ट से देखना है, तो कच्चे केले का रंग कैसा होगा? यदि नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, कच्चे केले का रंग हरा होता है तो हरे को सफ़ेद। तो हम देख सकते हैं कच्चे केले का रंग कैसा होगा, सफ़ेद, सफ़ेद हमारा आंसर होगा। तो हमें बस यहीं तक ही देखने की ज़रूरत थी और आगे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इनमें से भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा है? वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज। अब देख सकते हैं वर्ग कैसे होता है, वर्ग इस टाइप से होता है, आयत इस टाइप से होता है, त्रिभुज इस टाइप से होता है, और वृत्त गोल। देख सकते हैं इनमें लाइनिंग अलग अलग है, इस टाइप से आयत में इस टाइप से है, और इसमें देख सकते हैं चार फोर साइड है, इसमें भी फोर साइड है, इसमें थ्री साइड है, और वृत्त में ओनली वन साइड। तो हमारा वृत्त अलग होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं क्या है, ए 1 पर 14, 2 और 16। देख सकते हैं इसमें क्या है, 1 2 और 14 16, ऐसे 3 4 16 17, +1 +1 हो रहा है, +1 +1। अब देख सकते हैं एफ जी 6 7 और 19 20, +1 +1, और देख सकते हैं यहाँ पे आई ये देख जे है, ये जे 9 10 +1 और 22 23 +1। तो देख सकते हैं हमारा कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें +2 हो रहा है, 14 + 2 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देख लो ये इसी में से है कि भिन्न बताना है। अब देख सकते हैं
ये सारे क्वेश्चनों में भी नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 13 में देख सकते हैं 144, 12 का स्क्वायर और 196, 14 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है 169, 13 का स्क्वायर और 210। हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हमारा 210 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए चाचा, बी पापा, सी मित्र और डी माँ। देख सकते हैं ये सब एक ही रिलेशन में है, बल्कि मित्र अलग रिलेशन है। हमारा मित्र आंसर होगा। इसी टाइप से देखना 15 क्वेश्चन में क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे देख सकते हैं 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, और ये 3 स्क्वायर इंटू में 4 क्यूब। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा डी रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शब्द रिसॉल्व में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देख सकते क्या है, आर ई एस ओ एल वी ई रिसॉल्व। अब देख सकते हैं तो 18, 19, 20, 21, 22 ये भी नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9। तो देख सकते हैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिनके हो 12, 13, 14, 15, 16, कोई भी वर्ड नहीं है। तो इनमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देख सकते हैं शब्दकोश मतलब कि पहले देखते हैं ओ टी ओ टी ओ टी इस टाइप से पहले कौन सा वर्ड आता है, ओ टी ओ आर तक पांचों में सेम है, उसके बाद देखते हैं टी पी एस ओ यू। अब देख सकते हैं कौन सा सबसे पहले, तो ओ, तो हमारा दो पहले, दो देख सकते हो ऑप्शन में, दो चार ऑप्शन में है तो हमें दो देखने की ज़रूरत नहीं थी, और फाइव और थ्री, फाइव थ्री कंपल्सरी। अब देख सकते हैं फाइव और थ्री में से कौन सा पहले आएगा, एस और पी, तो थ्री पहले है। अब देख सकते हैं इसमें क्या है, फाइव, तो जिसमें भी फाइव है इन दोनों को हम काट सकते हैं। अब हमें देखना है थ्री फाइव फाइव। अब देख सकते हैं फोर और वन, फोर और वन में कौन पहले है, फोर और वन, फोर इसमें देख सकते हैं फोर नंबर पर टी है और इसमें यू है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वन वन, जिसमें भी वन है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसी टाइप से करने हैं, एल आई टी मतलब कि देख सकते हैं ऑप्शन में फोर और थ्री, हमें पहले फोर और थ्री में चेक करना है, फोर और थ्री, डबल टी डबल टी, फिर टी यहाँ पर सेकेंड पर टी है और इसमें ई है, तो पहले ई आता है तो हमारा ई मतलब कि फाइव सॉरी फोर, जिसमें पहले फोर होगा फोर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी कभी नहीं हो सकता। अब देख सकते हैं नंबर फिर सेकंड पर हमें क्या चेक करना है, थ्री और टू, थ्री और टू डबल टी, फिर ई है और इसमें एल है, पहले ई आता है तो टू, जिसमें भी टू है वो हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब हम देख सकते हैं कि बाय ऑप्शन हमारे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हैंडकरचीफ शब्द में के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, के दाएं से तीसरा अक्षर, के दायां बायां इस मतलब कि दायां चलेंगे के इस तरफ और बायां इस तरफ, के दाएं में तीसरा अक्षर, एक दो तीन ए, तो ए हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्लियरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं, सी एल ए आर आई टी वाई। देख सकते हैं 18, 19, 20, 21 ये भी नहीं है, ये आई है सॉरी, 9, 10, 11, 12, 12, 1, फिर ए बी सी, तो यहाँ पे भी होता तो 2, फिर 18, 19, 20,
थ्री सी डी ई एफ जी, और नहीं देख सकते ऐसे तीन ही वर्ड है, तीन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके, थैंक यू सो मच।